1943 जहां बंगाल में अकाल पड़ा और 50 लाख लोग मारे गए। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, अरे पर गांधी तो नहीं मरे। लेफ्टिनेंट चार्ल्स ग्रिफिक्स लिखते हैं कि दिल्ली में फिर से कब्जा करने के बाद लगभग हर गली में जलती धूप से लाशें सड़ रही थी। ये तस्वीर देखिए, जब 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद भारतीय लाशों को सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। उनके शासन के दौरान भारतीय महिलाओं और भारत पर हुए अत्याचारों की दास्तां सुनोगे तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मंजर इतना भयावह है, किसान अपने खेतों में जो अनाज उगाते थे उनका 90% टैक्स के रूप में ले लिया जाता था, और जो कोई टैक्स पे नहीं कर पाते उन्हें चमड़े के कोड़ों और लोहे के किलो से 100 बार तक पीटा जाता। हालत ऐसी थी, 10-20 के मारपीट से ही कई मरे और बहुत कम ही बच पाए। उसके बाद उनकी माताओं बहनों और बेटियों को गांव वालों के सामने निर्वस्त्र कर गांव के चारों ओर घुमाने के लिए मजबूर किया जाता। अंग्रेज इतने पर ही नहीं रुके, इतने बर्बर व्यवहार से स्त्रियां चीखती छटपटाती जिस पर ये ईसाई सैनिक उन पर हंसते, और जब माताएं बहनें दर्द के मारे बेहोश हो जाती तब अंग्रेज उन पर बहुत ही अमानवीय और क्रूर तरीके से सामूहिक बलात्कार करते। बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा ही हुआ। कोई भी खूबसूरत भारतीय लड़की या महिला किसी ब्रिटानी ईसाई की नजर में आए तो बिना बलात्कार के बमुश्किल ही बच सकती थी। भारतीय महिलाओं पर इन अत्याचारों के दस्तावेजी साक्ष्य महानतम इतिहासकारों में से एक श्री राजीव दीक्षित जी ने सबके सामने लाया, पर 30 नवंबर 2010 को उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। ब्रिटिश ईसाइयों का असली मकसद था भारत को ईसाई राष्ट्र में बदलना। 23 जून 1813 ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बहस चल रही थी। विलियम विल्बरफोर्स नाम का एक ब्रिटिश सांसद बोल रहा था। उसने 3.5 घंटे तक भाषण दिया और उसके भाषण की शुरुआत हुई थी भारत का ईसाईकरण कैसे करे, पर वे आखिरकार भारत का धर्मांतरण क्यों करना चाहते थे। कारण यही था क्योंकि भारत अमीरों से भरा हुआ था और ब्रिटेन बहुत ही गरीब देश था। भारत आने के 250 साल पहले ब्रिटेन एक भूखा देश था, लाखों ब्रिटिश ईसाई भूख से मर गए थे। जब विलियम विल्बरफोर्स को पता चला कि भारत के पास इतनी संपत्ति है कि अगर अंग्रेज उन्हें 1000 साल तक लूटे तो भी भारत की संपत्ति खत्म नहीं होगी, और यह सब तभी हो सकता था जब वे भारत पर शासन करते और उन्हें धर्मांतरित करके अपने कानून का पालन आसानी से करवा पाते। जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने विलियम विल्बरफोर्स से पूछा कि वह कैसे जानते कि भारत इतना समृद्ध है, इस पर विलियम विल्बरफोर्स ने जवाब दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ सर्वे किए हैं जिसके हिसाब से विश्व बाजार में भारत का योगदान 33% है। मतलब अगर दुनिया में 100 करोड़ का माल बिकता है तो उसमें से 33 करोड़ का माल भारत का है। तब विलियम विल्बरफोर्स ने बताया कि भारत के बाद चीन दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, जो विश्व बाजार का 27% हिस्सा था। अगर हम भारत और चीन को मिला ले तो 60% मार्केट हमारे कब्जे में आ जाएगा। इस पर श्री राजीव दीक्षित ने कई सारे डॉक्यूमेंट जारी किए थे, ये सभी उनके वेबसाइट में अवेलेबल है। विंस्टन चर्चिल हिटलर से भी क्रूर था। ब्रिटेन के हमले से पहले भारत की GDP 23% थी, जबकि ईसाइयों के लूट के बाद जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो यह मात्र 2% तक ही रह गई थी। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, लेकिन ब्रिटेन भारत की लाश में से खड़ा होकर इतना अमीर बना था। अंग्रेजों के हिसाब से विंस्टन चर्चिल एक महानायक है, पर पश्चिम बंगाल में मरे 50 लाख लोगों का जिम्मेदार भी विंस्टन चर्चिल ही है। असल मायने में ब्रिटेन हिंसा और नस्लवाद की जड़ थी। ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ। इसका असली कारण भी यही था कि भगवान भी अंधेरे में ब्रिटिश ईसाइयों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में 55,000 भारतीयों ने अपनी जान गंवाई, 65,000 घायल हुए, 4,000 लोग लापता हुए और हजारों लोगों को कैद कर लिया गया। आमतौर पर ब्रिटिश ईसाइयों ने इस बात का प्रचार किया कि उन्होंने भारत में रेलवे और सड़कों का निर्माण किया और भारत को विकास की सुविधा दी, पर रियलिटी में ये सब अंग्रेजों ने भारत को लूटने और अपनी सुविधा के लिए रेलवे और सड़कों का निर्माण कराया। सड़कों और रेल को तो इस तरह से डिजाइन किया गया कि भारत के अंदर से कच्चा माल ब्रिटेन भेजने के लिए बंदरगाहों तक ले जाया जा सके। एक और बात, ब्रिटिश ईसाई गर्व से दावा करते हैं कि भारत का लोकतंत्र उनकी देन है, जबकि 200 साल की लूट, बलात्कार, हत्या, अत्याचार और गुलाम बनाकर यह कहना कि हमने आपको लोकतांत्रिक बनाया बड़ी ही मजाकिया बात है। भारत 17वीं शताब्दी तक दुनिया का सबसे अमीर देश और सोने की चिड़िया थी, पर ब्रिटेन ने भारत का वैसा ही किया जो नाजियों ने यहूदियों के साथ किया। रॉलेट एक्ट, जो भारत को अंग्रेजों द्वारा एक थप्पड़ था, नतीजतन हुआ ये कि शांति सभा करने के बावजूद अंग्रेजों ने हजारों नियत्ते लोगों पर जालियांवाला बाग में कत्लेआम कर दिया। भारत को जोड़ने की बजाय अंग्रेजों ने इसका हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर दिया, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों के शासन काल में ही शुरू हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन अंग्रेजों के बिना कभी नहीं होता। कारण यही था कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों को साथ में लड़कर देख अंग्रेज भयभीत हो गए थे। अंत में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अब बात उनसे नफरत करने की
तो नहीं है, सच्चाई जानने की है। जय हिंद।